पर्यटन को जिम्मेदार किस तरीके से राजस्थान में खड़ा किया जाएगा कोरोना में, जिस तरीके से पर्यटन, देखिए टूरिज्म को कोरोना काल में सबसे ज्यादा धक्का लगा, व्यापारी वर्ग को भी लगा है, मजदूर को भी लगा है, सबको लगा है, पर पर्यटक जो बाहर जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाए तो पर्यटन उद्योग को धक्का लगे स्वाभाविक है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछली बारी मैंने बहुत बड़ा जंप दिया, पहली बार आज़ादी के बाद में 500 करोड़ रुपए रखे हम लोगों ने, पर कोरोना काल के कारण जो हम चाहते थे वो ढंग से काम हो नहीं पाया। कई दुनिया के मुल्कों में तो उनकी इकोनॉमी जो है देश की वो टूरिज्म उद्योग पर ही चलती है, तो आप समझ सकते हो कि टूरिज्म का क्या महत्व है। मैं तो 35 साल पहले दिल्ली में टूरिज्म सिविल एविएशन में राज्य मंत्री था, प्रधानमंत्री के साथ अटैच था, तब से मेरी रुचि है कि पर्यटन का फैलाव हो, लोगों को सुविधाएँ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर की अन्य सुविधाएँ इस प्रकार से मिले जिससे कि प्रमोट हो इस सेक्टर के लोग, चाहे वो ट्रैवल हो, टूर ऑपरेटर हो, होटलर्स हो, ये मेरी रुचि रही है। अभी भी मैंने कहा पिछली बार हमने जो बड़ा जंप दिया, अब हम चाहेंगे आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत बने ये सेक्टर। राजस्थान की पहचान पूरी दुनिया में है टूरिज्म को लेकर के, इसीलिए आज जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर या पूरे राजस्थान के आपके यहाँ शेखावटी के अंदर भी हर जिले की अपनी खासियत है। राजस्थान के अंदर हर जिले में कोई ना कोई स्पॉट ऐसे हैं जो कि टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो अब धर्मेंद्र राठौड़ जी बने हैं अध्यक्ष, मंत्री हमारे विश्वेंद्र सिंह जी हैं, उनकी बहुत रुचि है, तो सब मिलकर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेक्टर को हम लोग टॉप प्रायोरिटी में लाएंगे। सर राठौड़ जी आपके करीब माने जाते हैं, तो इस बार के बजट में क्या कुछ और कोई बात करने वाला है? सर राजस्थान में गाँव में भी टूरिज्म कहीं कहीं अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है, शहरों में तो है, गाँव में हो चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म होता है या धार्मिक स्थान होते हैं, अगर वहाँ भी आप अच्छी सड़क बना दो तो लोग जाने लग जाते हैं। टूरिस्ट दो तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है, एक फॉरेन टूरिस्ट होता है। डोमेस्टिक टूरिज्म धार्मिक पर्यटन स्थल पर जाना चाहता है, तो ये हमने पिछली बार सरकार हमारी थी तब भी हमने प्रयास किए थे कि जो धार्मिक स्थान है वहाँ की अच्छी सड़कें बने, अच्छी लाइटिंग व्यवस्था हो जिससे कि टूरिस्ट जा सके वहाँ डोमेस्टिक। वही भावना अब भी है दिमाग के अंदर कि चाहे वो फॉरेस्ट के संबंधित हो या धार्मिक स्पॉट हो, चाहे कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी हो, सब जगह कैसे टूरिज्म बढ़े, ये सरकार का दायित्व भी है, प्रायोरिटी भी है, क्योंकि इससे रोजगार बहुत बड़े रूप में बढ़ सकता है। आज सबसे बड़ी स्थिति जो देश के अंदर है महंगाई और बेरोजगारी है, बेरोजगारी की स्थिति भी विस्फोटक हो रही है देश के अंदर। आप देखा होगा कि बिहार के अंदर ट्रेन जला दी, सालों बाद में ट्रेन जलाने की घटना हुई है, जगह जगह राज्यों के अंदर हड़तालें हो रही है, कोई पेपर लीक के नाम पर, कोई पेपर आउट के नाम पर, कभी कुछ हो रहा है बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, केंद्र सरकार के कई विभागों के अंदर जब भर्ती निकली वहाँ पेपर आउट हो गए, तो इस प्रकार से जो ये माहौल क्यों बन रहा है इनकी तय में आने की आवश्यकता है कि इन कारण क्या है, ये गैंग्स ऑपरेट करने लगे पूरे मुल्क के अंदर, तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसलिए इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री का आए, व्यापार का आए, टूरिज्म का आए, ये सेक्टर में डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि रोजगार, सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती सरकार की, तो सरकार की नहीं मिल सकती, उनको कहीं रोजगार चाहिए, उनको इस लायक बनाएं, स्किल डेवलपमेंट के हमारे कोर्सेज चलते हैं, उनको डेवलप करें, उनके स्किल डेवलपमेंट में भाग लें वो लोग, ट्रेंड हो लोग, तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, तो ये तमाम कोशिश साथ साथ चलेगी। सर आरटीडी जी के कर्मचारी साथ वेतनमान बड़े लंबे समय से है, तो क्या इस बार बजट में, तो फिर मैं बजट लाने की जरूरत ही फिर जरूरत ही नहीं रहेगी अगर मैं आपको बता दूं अभी तो फिर बजट काहे के लिए लाऊं। बजट को लेकर अपेक्षा है हर सेक्टर को, बजट को अगर आप लोगों की सुझाव हो मीडिया के वर्ग के, पत्रकारों के, साहित्यकारों के, लेखकों के,
आप भी मैं वेलकम करूंगा। अभी वक्त है क्योंकि अभी तो 23 को आएगा बजट, उसके पहले आप जब चाहे मुझे दे सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। प्रयास करेंगे आपके सुझावों को सम्मिलित करें उसके अंदर। सर होटलें बंद पड़ी है, पहले से उन्हें व्हील्स चल नहीं पा रही, तो कैसे आप इंतजार किए बजट का इंतजार कीजिए। सब जगह आप महसूस करेंगे कि जो आपकी भावना वही भावना मेरी है। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे